गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। और अभी यहाँ पे मैंने वीडियो सुबह से शुरू की थी, तो ये सुबह कह सकते हैं ना दोपहर, क्योंकि टाइम अभी 10 बज रहे हैं। और अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी को मैं गिट्टी पर रख दूँगी, फिर अभी तो मैं गैस पे छोंक दी थी, तो हवा भी चल रही है। और मोनिका जा रही है डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि दिक्कत कुछ ना कुछ रहती है, तो डॉक्टर के यहाँ गए हैं। और तो ये मैंने कान्हा जी के लिए बना दी है कढ़ी, और अभी थोड़ा सा आटा बनाना है। बाहर अंगीठी में आग जला ली थी, तो अब मैंने अंगीठी पे रख दिया है वो कढ़ाई, ये देखिए। और आग यहाँ पे कम सी जल रही है, क्योंकि हवा चल रही है आज, तो हवा भी बहुत लग रही है, पर इसमें हो जाएगी। और चूल्हे पे ही बहुत अच्छे से कड़के बनती है कढ़ी, देखिए इसका कलर ही बता रहा है कि कितने अच्छे से कड़ चुकी है। तो अभी मैंने इसमें पकौड़ी डाल ली थी, पकौड़ी भी सब सॉफ्ट हो जाएंगी इसी में ही। अब तो इसकी आग बुझ रही है, जो थोड़ी बहुत है वो आग गुल्लों की बची हुई है, उस पर हो जाएगी धीरे धीरे करके। ऐसी कड़ी चूल्हे या हारी नहीं बन सकती है, और कहीं नहीं बन सकती है ऐसी कड़ी। ये टेस्टी बहुत लगती है कड़ी हुई, बिल्कुल कड़ेगी, लाल होगी, कड़ कर लाल होगा रंग, तो ये खाने में भी टेस्टी लगेगी। आ जाइए चूल्हे पर बनी हुई कढ़ी खा लीजिए। और चावल भी बन चुके हैं, चावल भी बन गए, कढ़ी भी बन गई। अब बनानी है थोड़ी सी रोटी। हल्का सा तो हो रहा है अभी, तो एक बार हो जाओ। इसका मतलब है नहीं आने की जो आवे नहीं, हां होंगे तो याद में बता रही, पैसे कटने गए थे ठीक है, और फिर वो गुंठा लगाए पैसे वही भूल गया, फिर दोबारा गए, दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग गए बच्चा का, मार दिमाग खराब। अभी ने कहा मका वो कहां गया अभी तक, अब बचिया तो अभी तो खड़ी भी हो रही है, जो ऐसे रहा खड़ा भी नहीं आ जाओ इस पर खड़ा नहीं, तो फिर कैसा होगा, इतना भारी हो जा कैसा खड़ा करेंगे फिर इसे, इस तरह तो वो हो जाएगी, टिक लेगी जब कुछ खा पी नहीं रहे। नहीं खड़ी तो हो जा, खड़ी भी नहीं होने की फिर नाल लो था पता नहीं क्या इसका एकदम ही बढ़ गया, जो बिल्कुल ही पानी भी नहीं पी रही ना, पानी पुनी पी सकती है ना, पता है क्या ना जरा क्या घुस जरा चूल में डाल, एक दो घोटी पिया पानी में, तो जीने लाग भी नहीं खा रही कुछ ना। फोन मिला के पूछ लेना था, दूध दात तो चलो कोई बात नहीं, ना आराम लग रहा बिल्कुल भी कहीं से भी। तीन चार दिन हो गए इसके, दवाई नहीं टूट रही, डॉक्टर कहीं बदल लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी, आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैंने अपनी वीडियो शाम से शुरू किया है, एक दूध हो गया है, एक रह रहा है, 5 रुपए नहीं है खुले हुए मेरे पास, 20-40 दे दो। तो गाइस अभी मैं खाना बना रही हूँ, शाम को खाने में बन रहा है घिया और आटा लगा दिया है, अब रोटी बनानी है। 5 रुपए क्या लाना तुझे आज, मम्मी ने मेरे 2 चिट्टे बनाए, पेंसिल बहुत खत्म हो रही थी रोज, मैं बता पहुंच जाइए।
ये गाय के लिए पकाएंगे गिलो की बेल। शाम की जोत लग गई है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू कर रही हूँ। कल थोड़ी बन पाई थी क्योंकि गाय की वजह से सब इतने ज़्यादा परेशान है, गाय इतनी बीमार हो रही है, कहीं से भी आराम नहीं हो पा रहा, तो मन नहीं करता किसी भी काम को। सर में दर्द भी हो रहा है और तो मेरे रास्ते सर में दर्द है। तो अभी सुबह का बच्चे चले गए स्कूल और नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। अब झाड़ू पोछा होगी, मशीन लगाएंगे, लाइट आ चुकी है, 9 बज चुके हैं। देखिए 9 बजे नहीं, अभी 15 मिनट है 9 बजने में। लाइट 9 बजे आती है, शायद 15 मिनट पहले दे दी। तो अभी नीचे झाड़ू नहीं लग पाई क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो अब बारिश बंद है, नीचे झाड़ू लगा के आती हूँ पहले, उसके बाद देखूँ मशीन लगाऊँगी। ऊपर का तो वैसे सुबह का तो निमट चुका है। तो फ्रेंड्स, कपड़े जो धोए थे आज सारे अंदर ही थे, अभी मौसम साफ सा हो गया कुछ, तो बाहर फैला दिए, कम से कम हवा सी तो निकली जाएगी ना, नहीं तो फिर बदबू सी आ रहा है। नहीं और कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं क्योंकि सारे वहाँ आए नहीं, और बारिश के मौसम में सारे घर में कपड़े कपड़े नजर आए हैं बस, और कुछ नहीं। ये पौधा मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ रख दूँ, नहीं तो गल जाएगा जो तो पानी होने से। और इनको मैंने निकाल दिया था सारों का। तो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ दोबारा, एक बार सुबह नहा के पूजा कर ली थी, सोचा चलिए अभी फिर से नहा के और आप सबसे बात कर लेते हैं। सुबह से आज बारिश ही बारिश हो रही है, वैसे मौसम में पता नहीं कलर अपना रंग भी खुद का ऐसा लग रहा है ना, कितना काला हो रहा, क्योंकि बादल काले काले से रहना है तो रंग भी ऐसा ही लग जा काला काला सा। ये देखिए बादल तो अभी भी हो रहे हैं, बारिश बस अभी बंद हुई थी 1-1.5 घंटा पहले, और लाइट चली गई, नहीं तो मैंने सोची साथ के साथ इन पर प्रेस फेर दूँगी, पर लाइट चली गई। जब तक मेरा वैसा काम ख़त्म हुआ तब तक लाइट चली गई। और बच्चे ट्यूशन में जा रहे हैं 3, तो और एक यहीं पर अपना काम कर रहा है। इसमें 3 गए हुए हैं ट्यूशन में। लैस कहाँ से लाई, लैस कहाँ से लाई? और बछिया के चढ़ रही है बोतल और सब वहीं पे खड़े हैं, सबका मन इतना दुखी है बछिया को देख देख के, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अभी यहाँ पे डॉक्टर बुलाया था तो इन्होंने इंजेक्शन भी लगाया और ग्लूकोज भी चढ़ रहा है। 10-12 दिन हो गए हैं बछिया ऐसी की ऐसी है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, पानी भी एक आध घूटी पीती है, और घास का तो बिल्कुल भी एक तुम कभी नहीं खाती बिल्कुल भी। तो पता नहीं बस जब से दवाई दवाई चल रही है, आराम अभी कुछ नहीं। तो यहाँ पे देवर आए हुए हैं मेरे, वो जाएंगे ड्यूटी, तो मोनिका बना रही है आलू के पराठे। और मौसम भी वैसे अच्छा है, और जो पिट्ठी बचेगी तो जो घर के जने हैं जो घर के सदस्य हैं उनके लिए भी बन जाएंगे, बच्चे भी खा लेंगे तो उनके लिए बन रहे हैं और लेके जाएंगे। और बस यहाँ पे फिर दोपहर को देखते हैं, वैसे तो 11 बज रहे हैं दोपहर के, जो खाएगा वो आलू के पराठे खा लेगा, नहीं तो दाल भी रख रखी है बनने के लिए, दाल रोटी बना लेंगे। तो मोनिका डॉक्टर के भी दिखा के आई थी, उन्होंने बताया कि अभी अल्ट्रासाउंड होगा और अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा क्या दिक्कत है, क्योंकि दर्द रहता है ना बहुत, तो उसमें ही पता चलेगा। वैसे लीड कौन ले रही? देखियो
तो जी यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी वीडियो का एंड करने के लिए। दो तीन दिन से बन रही है क्लिप, कुछ मिल मिल के आई है। तो आप सब प्लीज़ वो मत कीजिएगा कमेंट की बार बार हेलो हेलो करते रहते हैं, क्योंकि दो तीन दिन में वीडियो बनती है ना तो मैं भूल जाती हूँ और फिर मैं नए सिरे से स्टार्ट करती हूँ। और आप सबकी प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है आप सबके उसकी, आप सब भी प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए हमारी गाय गौ माता ठीक हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया कुछ नहीं खा रही पी रही, बहुत जी दुखी रहता है सबका। तो आप सब भी प्रार्थना करिए, पता नहीं किसकी प्रार्थना इतनी शक्ति हो कि उसको आराम लग जाए, हमारी गाय ठीक हो जाए। तो प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा भगवान जी से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल। कल शुरू करेंगे अपनी सुबह से, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अच्छा खासा रहा। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कल को पहले ही नहीं नोतना चाहिए, पता नहीं रहता कि क्या हो जाए। तो कल को पहले ही नोतना नहीं चाहिए, वो जब उठे तो सबका अच्छा दिन जाए, सब बीच के भगवान के मंदिर तो सबका दिन अच्छा जाए, सबके घर में सब कुशल मंगल रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। गुड नाइट।